नमस्कार दोस्तों, करुणा का हालचाल क्या है? सबसे पहले ये पूछूंगा। पता है देश का हालत ज़्यादा सही नहीं है करुणा के लिए, मतलब कोरोना वायरस के लिए। तो आशा करता हूँ कि सब जल्दी से सही हो जाए और उसका एंटीडोट भी जल्दी आ जाए। तो गाइज, आज एक नया बोर्ड, और क्या बोलूँ, जो फॉक्सिन का बोर्ड है, ठीक है, एक बोर्ड फॉक्सिन का 61 का बोर्ड है, छोटा मोटा बोर्ड, आप देख सकते हैं, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए गाइस, एक फॉन्टेक यहाँ पे लिखा है, फॉन्टेक का 61 का बोर्ड है ये। तो ये बोर्ड मुझे आया स्मार्ट कंप्यूटर सर्विस से, सॉरी स्मार्ट कंप्यूटर शॉप, जहाँ से बोर्ड मुझे दिया गया है। मुझे कहा गया कि बोर्ड पे बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोर्ड का अच्छी तरीके से देखा, कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं था। मैंने यहाँ का वोल्टेज भी चेक किया था, ठीक है, ये जो फ्रंट पैनल में 3 वोल्ट होता है ना, आप लोग तो जानते ही है, मैं वो करके नहीं दिखा रहा हूँ, सबको पता है, अगर वो करूँगा तो बेवकूफ़ जैसा लगेगा, मैं नहीं करूँगा। तो फ्रंट पैनल में 3 वोल्ट आना चाहिए, उसके बाद ही बोर्ड स्टार्ट होता है, नहीं तो नहीं, अगर 3 वोल्ट से कम आएगा तो इस बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, एक फंडा है बोर्ड का। तो मैंने चेक किया, जब देखा इसका फ्रंट पैनल में 3 वोल्ट आ रहा है, फिर भी मैं स्विचिंग कर रहा हूँ तो स्विचिंग नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि बोर्ड में कहीं पे भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है, कभी कभी होता है वोल्टेज आ रहा है लेकिन बोर्ड पे अगर शॉर्टिंग वगैरह कुछ हो तो स्विचिंग नहीं होता है। लेकिन इस बोर्ड का फंडा कुछ अलग है, वो उस बोर्ड पे कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो एक जम्पर है गाइस, देख सकते हो, हाँ ये जम्पर यहाँ पे नहीं था, ठीक है, मैं जब दिया गया था तो जम्पर यहाँ पे नहीं था, मैंने एक दूसरे बोर्ड से यहाँ पे लगाया। मैंने यहाँ पे देखा BAT1 लिखा है, BAT1, और यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह था जो 1 2 नॉर्मल है। ये देखो ये देखो देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है, अब देख सकते हो, शायद 1 2 नॉर्मल और 2 और 2 2 और 3 क्लियर सिमस, मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। तो मैंने दूसरे बोर्ड से निकल के लगा दिया, फिर भी गाइस इस बोर्ड में स्विचिंग नहीं हुआ। तो मैंने बोर्ड को एज ए सिमस बैटरी को निकाल दिया, फिर लगाया, फिर हुआ स्विचिंग, हुआ थोड़ी देर के बाद फिर से आउट हो गया। मैं सोचता रह गया, भाई क्या हो रहा है, ये स्विचिंग हो रहा है पर कभी कभी नहीं हो रहा है, क्यों? फिर अब यहाँ पे देखिए बैटरी के कोने पे, ये देखिए, मैं ट्वीजर से दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे गाइस एक 3 लेग का डायोड लगा है, देखो, ठीक है, इस डायोड का काम है, जो यहाँ से 3 वोल्ट आएगा और इन दोनों पे भी 3 वोल्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, इन तीन जब बोर्ड स्टार्ट करोगे इन तीनों पिन पे 3 वोल्ट बराबर होना चाहिए, तभी ये ई बोर्ड का फंडा बता रहा हूँ, तो स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए और इन 3 लेग पे भी डायोड है, डायोड पे 3 के 3 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये बोर्ड स्टार्ट होगा। तो मैंने देख रहा था कि इस बोर्ड का कुछ अलग फंडा है, मैं वो अलग से समझाता हूँ। जब मैं बैटरी ओपन कर देता था, मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 वोल्ट एक लेग पे नहीं आ रहा है, तब स्विचिंग नहीं हो रहा है। जब मैं बैटरी इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 पिन तीनों में आ जाता है, 3 वोल्ट तीन तीनों पिन में आ जाता है, तभी स्टार्ट होता है। शायद मैंने देखा कि ये शायद बोर्ड का ही फंडा है कुछ, बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होगा, या फिर कभी कभी होगा कुछ अलग सा फंडा हो सकता है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, भाई बैटरी निकलना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने जस्ट उसे रिशोल्डर कर दिया अच्छी तरीके से, तब जाके लाइन क्लियर हो गया, बोर्ड स्विचिंग हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, बोर्ड स्विचिंग हो गया, डिस्प्ले भी आ गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम उसके बाद जाके स्टार्ट होता है गाइस, प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड को पावर ऑन करता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को दिखाऊंगा और उसका हल भी करूंगा, ठीक है।
ये अपना VGA केबल जोड़ दिया, ये अपना डिस्प्ले का पावर केबल, ये भी जोड़ दिया, चलो सही। ये अपना गाइस, ये अपना कीबोर्ड का लाइन है, ये भी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मजे की बात दिखाऊंगा गाइस, एक मजे की बात, ये अपना कीबोर्ड यहाँ पे है, ठीक है, सब इस तरीके से रखते हैं तो अच्छा होगा। कीबोर्ड में मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, देखो देखोगे डिस्प्ले में क्या आता है भाई। पावर दे रहा हूँ, बोर्ड को स्विचिंग करूंगा, बोर्ड को गए स्विचिंग कर दिया। ये मेरा हाथ है, कीबोर्ड में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो कीबोर्ड में नेम लॉक लाइन लाइन ऑन हो गया, देखो डिस्प्ले की तरफ सीधा बायोस में घुस रहा है गाइस, सीधा बायोस में एंटर हो रहा है। ये इसका फंडा, देखो फिर से इसको रीस्टार्ट करूंगा, रीस्टार्ट कर लिया, नेम लॉक जल गया वहां पे, देखो स्टार्ट होते ही सीधा बायोस। फिर से दिखाता हूँ एक बार, रीस्टार्ट करते हैं, मॉनिटर की तरफ देखिए, सीधा बायोस में घुस रहा है यार, और थोड़ा जूम हो जा, रिस्टार्ट करते ही सीधा बायोस में घुस रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है ये बूट डिवाइस ढूंढ नहीं पा रहा है गाइस, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये है इसका प्रॉब्लम, तो इसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मतलब ये मदरबोर्ड का ऑन बोर्ड का नहीं है, ना ही बायोस का, ये इसका सिस्टम है, ठीक है, तो इसे बायोस से ही सही करना है। तो चलो ये देखो यहाँ पे बूट प्रायोरिटी में चेक करो, ये जो बूट प्रायोरिटी है यहाँ पे दिख रहे है, बूट प्रायोरिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पे बूट डिवाइस 1 2 अगर होता तो यहाँ पे वो आगे बूट के लिए स्क्रीन चला जाता, लेकिन यहाँ पे बूट डिवाइस नहीं है, इसलिए बार बार मतलब बायोस में एंटर हो रहा है। तो गाइस इसे रिसेट करके को देखते हैं, ठीक है, तो रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे, यस करेंगे और अपने को सेव करेंगे, उसके बाद रिस्टार्ट देखते हैं गाइस क्या होता है। सीधा घुस गया भाई, सॉल्व नहीं हुआ। तो गाइस इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दो टाइप के बोर्ड में आ सकता है। टाइप 1, अगर इस बोर्ड में हार्ड डिस्क या कोई भी मतलब बूटेबल डिवाइस कनेक्टेड हो तो भी आ सकता है, अगर कनेक्टेड नहीं हो मतलब कनेक्टेड नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि ये बोर्ड में कोई भी मतलब क्या बोलो बूटेबल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसके द्वारा द्वारा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे हल करें। तो गाइज ये आप लोगों का बायोस के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैं जिस बायोस के अंदर हूँ फिलहाल 61 का फॉक्सन का मदरबोर्ड है, इसमें मैं यहाँ पे देखो बूट ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ इजी कंट्रोल, ठीक है, इजी कंट्रोल पे जाके यहाँ पे देखो लॉन्च PSE ओपी रोम पॉलिसी, यहाँ पे डू नॉट लॉन्च, तो इसे हम लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, लिगासी ओनली, इसे हम सेव करके देखते हैं भाई क्या होता है। देखा गाइस ये बूट डिवाइस मांग रहा है। ये तरीका अगर मतलब आपको खुद ढूंढना है भाई उसके अंदर क्या होता है, हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है अगर आप लोग फेस करेंगे तो ये 100% बायोस का ही, बायोस में सेटिंग का लोचा है भाई, इसमें बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं है, 100% बायोस का सेटिंग का लोचा है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब बूटेबल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है इस टाइप के केस, अगर कनेक्टेड होता तो कैसा होता। तो चलो गाइस बूटेबल डिवाइस कनेक्ट करेंगे और देखेंगे, ठीक है, तो चलो गाइस बूटेबल डिवाइस एक कनेक्ट कर लेते हैं।
हार्ड ड्राइव इसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। पहले इसे बंद कर लेते हैं। ये एक बूटेबल हार्ड ड्राइव है, मतलब ओएस है। एक हार्ड ड्राइव हमने बूटेबल डिवाइस कनेक्ट कर लिया, अब इसे पावर ऑन करेंगे गाइस। चलो पावर ऑन कर लिया। अभी ये सीधा हार्ड ड्राइव से बूट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे बूट डिवाइस हम सिलेक्ट कर दिए। अगर बूट डिवाइस रहते भी ऐसा होता है, वो क्यों होता है, वो हम इसमें बूट डिवाइस लगा के वो करके दिखाएंगे, ठीक है। अबे क्या हो रहा है, अट्टियार। तो मैं इसे पावर ऑफ करता हूं और बूट में घुसता हूं, ठीक है। डेल की प्रेस करके घुसूंगा स्टार्ट करने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगा हार्ड डिस्क कनेक्टेड है फिर भी वो बूट में बायोस में जाएगा कैसे। इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, क्या देखना है, ये हर एक बोर्ड में कॉमन होगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस डेल प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए गाइस डेल प्रेस कर रहा हूँ, घुस गया। तो यहाँ पर जाके हम पहले बायोस को रिसेट करेंगे, इजी कंट्रोल बूट पे आएंगे, यहाँ पे इसको डिजेबल, ठीक है। तो इस बार हम सेव करते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखा गाइस ये घुस गया, मतलब ये बूट डिवाइस डिजेबल है, इसीलिए ये बूट नहीं ले रहा है। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, भाई हार्ड डिस्क बूट में कनेक्टेड है, अब देखिए हार्ड डिस्क कनेक्टेड है लेकिन फिर भी ये ऑन होते ही बायोस में जा रहा है, इसका मतलब एक ही है, आपका बूट डिवाइस जो है वो डिजेबल है। आप यहाँ पे जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस इस बोर्ड का प्रॉब्लम था स्विचिंग नहीं हो रहा था, लेकिन स्विचिंग होने के बाद क्या है, बूट डिवाइस ढूंढ नहीं पा रहा था। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये कैसे मैंने सॉल्व किया ये आप लोगों को दिखाया, और ये सॉल्व और दूसरे बोर्डों में, मतलब बूटेबल डिवाइस बोर्ड पे कनेक्टेड है और विदाउट कनेक्टिविटी पे बोर्ड को कैसे देख चेक करेंगे और कैसे सेटिंग करेंगे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो आज तक इतना ही, और घर से गाइस एक नोटिस है मेरी तरफ से, घर से मत निकलना यार, क्योंकि कोरोना दिन पे दिन बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहता मेरे सारे भाई बहन को किसी को ये वायरस ना हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये बीमारी जो है या वायरस जो है खत्म हो जाए और हम चैन से भाई जी सकें, जिंदगी जी सकें। और सबसे रिक्वेस्ट है भाई कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है गाइज। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे बोर्ड के साथ, दूसरे नया हटके प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।